Ανέ! Ούτε ντε! Και με γιες ούτε! Με γιες κέμψ ούτε! Και... Απ' τι αρέ κέμψ ούτε γιε! Του πάτε ο! Και με γιες ούτε! Ακούς να είχαν παρδάει! यहाँ क्यों सोए हुए हो? यहाँ पे क्यों सोए हुए हो? क्या बोलते हैं हमको बोला कि हमको सुनने नहीं आता। यहाँ पे क्यों सोए हुए हो आप? क्या है? यहाँ पे क्यों सोए हुए हो? अरे यार क्या मगर डांट रहा है यार। मैं बोलता सुनाई नहीं रहा हमको पता। सुने नहीं दे रहे? यहाँ पे क्यों सोए हुए यार? हमको सुन पचास बार बोल चुका हूँ कि हमको सुनने में नहीं आता। कितनी बार बोला हम तुमको, हमको सुनने में नहीं आता। यहाँ क्यों सोए हुए हो? जाओ यार मगर मत करो। ऐसा नहीं, आपका घर कहाँ पे है? आपका घर कहाँ पे है? बोल चुका है आपको सुनने में नहीं आता। आपका घर कहाँ पे है? आपका घर घर आपका घर कहाँ पे है दादा? आपका घर नाम? हाँ नाम हमारा गुरु नाम, गुरु नाम। क्या नाम है? हम पंजाब का रहने वाला, बचपन से आया हुआ इधर। पंजाब से इधर आए हो? हम ड्राइवर है ट्रक का। हम ट्रक का ड्राइवर था। ट्रक का ड्राइवर था? क्या लगवा ये भाई लकवा मार गए? अरे हम बेकार हो गए हैं, इसके लिए हम यहाँ पड़ा है। हम ड्राइवर था ट्रक का, बम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बम्बे। आपका घर कहाँ है? घर हमको सुनाई नहीं पड़ता बोला हम। आपका घर कहाँ पे? घर 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 कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं आगे पीछे कोई नहीं है, ना घर बार। तो मेरे साथ आना है? मेरे साथ में आना है? कोई बीवी बच्चा नहीं, कोई बीवी बच्चा नहीं, कोई घर बार नहीं। तो आपका घर बार नहीं है तो मेरे साथ में आना है? मेरे साथ में आना है, मेरे साथ आना है, मेरे साथ में। जाओ यार हमको कितनी बार कि हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरे साथ में आना है, आश्रम आश्रम में आना है, आश्रम में आना है, आश्रम में। नाम लिखूँ? हाँ नाम लिखो, लिखो नाम लिखो। गुरनाम, गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह आश्रम में आना है? आश्रम में, आश्रम आश्रम ये क्या आश्रम? आश्रम आना है? आश्रम में आना है? आश्रम हाँ तुम्हें जाना जाना है। जाना है आश्रम? आश्रम में हम क्या करेगा? रहने के लिए, रहने रहने के लिए। अरे आश्रम हम क्या करेगा? रहने रहने आश्रम में रहने के लिए आना है? रहने के लिए कहाँ से मकई मरी काटने आ गया यहाँ?
मैं कहा मगजमारी कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ में आश्रम में है ना, आश्रम में। आश्रम में क्या करेगा हम, वहाँ रहने के लिए, सोने के लिए, हम फुटपाथ पे सो जाता कहीं भी। फुटपाथ पे नहीं सोने का, मेरे साथ में होता है। हाँ तो तकलीफ होता है तो मेरे साथ में चलो आश्रम में, चलो मेरे साथ में। जो यार क्या को मगज काट रहा है यार, कहाँ से मगज काटने आ गया है, चलो मेरे साथ में। दोस्तों आप जैसे वीडियो में देखा कि दादाजी की हालत बहुत गंभीर है, तो और कान से सुने नहीं दे रहा उनको, और ऐसा बोल रहे हैं कि पंजाब से आए हुए वो ट्रक ड्राइवर थे, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, यहाँ से हमारा हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन आया था। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कवन ठाकुर, स्थानीय हम रहवासी है, उनको काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं। कितने साल से? 3 साल से देख रहे हैं। 3 साल काका की यही हालत, हम कभी बोलते खाना खाओ काका ये खाओ, चाय भी अपने वहाँ पीते हैं वो भी पैसा दे के पीते हैं, खाना भी लाते हो खाना खाते हो कहीं खाते, बाकी कोई फ्री में कभी नहीं लेते, बोलते कभी जाना काका आपको कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहते फुटपाथ पे, कभी वहाँ बस स्टेशन पे, कभी अपनी आगे वाली होटल है जय माता जी टी स्टोर, वहाँ आते बैठते सुबह चाय पीते, उसके भी पैसे देते थे। 3 साल से यही हालत? 3 साल से, मैं देखो काफ़ी टाइम से ज़्यादा हो गया, बाकी 3 साल से तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो हम हमारी संस्था चलाते हैं, यहाँ से किसी का फ़ोन आया था, उनको फोटो हमारी संस्था पे भेजा था, ये मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। वो संस्था पे भी एक बार कॉल करा था अपन काफ़ी समय से, कभी वो भी हमारी है पोपट भाई फाउंडेशन, जी पोपट भाई वाला फाउंडेशन, उसमें हम लोगों ने एक बार कोशिश की थी कॉल करने की, एक बार बात भी हुआ था, फिर उन्होंने बोला हम लोग थोड़ा बिजी है। और हमारा अहमदाबाद में चल रहा है सर्वसम्मत फाउंडेशन है हमारे, जी और दादा का एक फ़ोटो आया था 2 दिन से, तो हम मैंने बोला जाके उनका परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जरूर तो बस, तो हम हमारे साथ में ले जा रहे हैं उनको, तो बस आपका भी साथ सपोर्ट दिया, आपने भी सेवा का काम किया दादा के लिए। नहीं हम तो करते हैं सेवा में काफ़ी, और आगे भी कैसे है वो भी, इनकी हालत ऐसी बहुत, तो उनको भी हमने देख लेते हैं पहले इनके लिए इनका कर दीजिए, क्योंकि उनका हालत के हिसाब से कभी मॉर्निंग में चाय पीने भी नहीं आए, वो तो डेली अपने होटल पर चाय पीने आते हैं, उनके पैसे देते पैसे चाय का देना है, ऐसा भी नहीं कि नहीं देना, चाय के पैसे दे के पीते, तो पूछा भी करके चाचा को आपका परिवार है, हम जवाब जल्दी नहीं देते, बस उनको क्या रहना है इधर ही रहना है, क्योंकि कान से कम सुने दे रहा है, उसलिए शायद हो सकता है कान के सुनने के हिसाब से हो सकता है, ट्रक के ड्राइवर थे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं हम हमारे साथ में ले जा रहे हैं, जी कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम उनके साथ हमारे आश्रम पे साथ में ले जा रहे हैं, हमारे सेंटर होम पे, वहाँ से अपना घर आश्रम है उमता में, पीके जैन साहब उनका साथ सपोर्ट से उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो बस कम्प्लीटली वीडियो देखिए, आप हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, तो बस ऐसे ही आपके साथ सपोर्ट से हमारा ये सेवा यज्ञ चल रहा है अहमदाबाद के अंदर, तो बस साथ सपोर्ट देते रहिए। Thank you.
यहाँ रहने का? अरे हमको सुनाई नहीं पड़ रहा यार, मैं तुमको बोला हमको कान सुनाई नहीं पड़ रहा। यहाँ रहने का? हम तुमको वहाँ पे बोला कि हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, सुनने नहीं आ रहा। यहाँ रहने का यहाँ सो जाने का? रोड पे क्यों रहते थे? रोड पे? अरे हम ट्रक का ड्राइवर था, हमको लकवा मार दिया लकवा, तो हम बेकार हो गया। फिर क्या हुआ? तो बेकार नौकरी छूट गया, तो अभी मंदिर में खाने का दो टाइम। फिर क्या करते थे रोड पे रहते? ओढ़ने के लिए कपड़ा कोट वगैरह दे डालता है, चटपल वटपल कंबल मंदिर में मिलता है। कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा है? रणछोड़ जी के मंदिर में। गांव कौन सा है दादा आपका? रणछोड़ जी के मंदिर में। आपका गांव कौन सा है? आपका गांव, आपका घर? अरे हमको कुछ समझ में नहीं आती। घर हम बुढ़ा मर गए, कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई शादी नहीं किया, कोई बाल बच्चा नहीं। हम बचपन से पंजाब से बम्बई में आया, बचपन से आया हूँ। फिर ड्राइवर था ड्राइवर। फिर मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ। ट्रक का ड्राइवर थे? अभी हमको लकवा मार दिया तो गाड़ी छूट गया। ये सर लकवा, ये सर मारा। फिर वो शेर अच्छा था जो इलाज कराया, और शेर अच्छा था वो। फिर मंदिर वाला शेर अच्छा था जो हमको लकवा ठीक करा, मुँह आधा हो गया, ये मुँह ये बाजू, वो शेर अच्छा था जो हमारा इलाज कराया। अभी अच्छे हो गए ना? अच्छे अभी कहाँ अच्छा हुआ। तो अभी क्या हुआ? अभी भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा बोलने को नहीं होता। ये आश्रम में रहोगे? आश्रम में रहना है? आश्रम में वहीं यार, वहीं सोता हूँ, मंदिर में खाता हूँ, वहीं सो जाता हूँ। अभी रोड पे नहीं रहने का, अभी यहाँ पे रहने का है आश्रम में। वहाँ रणछोड़ी के मंदिर में खाना खा के वहीं फुटपाथ पे सो जाता हूँ। अभी यहाँ रहने का तुम्हारे अभी? अरे सामान तो हमको अपना लेने दो। सामान अभी लेके आएगा वो लड़का, सामान अभी आ जाएगा। अरे यार सामान तो लेने दो हमको, हमारा सामान जी को ले जाएगा उठा के। सामान अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम क्या यार नाटक करता है? दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि दादाजी को हमने सारंगपुर विस्तार से लिया है अहमदाबाद के अंदर से। वहाँ पे स्थानिक लोगों ने बताया कि 3 साल से यही हालत में है। दादाजी को वहाँ से लेने में बहुत तकलीफ पड़ी, कम से कम 3-4 घंटे चले गए, और उनको नहला धुलाने में भी बहुत मगजमारी कर रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति अभी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बचपन से पंजाब से यहाँ पे आ गए बॉम्बे, और बॉम्बे से अहमदाबाद आ गए, और ट्रक चला, और बचपन से यही हालत में आ गए थे काम धंधा करने के लिए, पर उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो अपना घर आश्रम उमता में है, पीके जैन साहब उनके उनके साथ सपोर्ट से कल उनको उनके आश्रम है जो मानसिक का आश्रम चल रहा है उमता के अंदर, तो वहाँ पे उनकी जो भी ट्रीटमेंट होगी सही से, उनका खाना पीना रहना अच्छा सुविधा मिल जाएगी।
आगे की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की हमारी टीम तरफ से। हमारा यही प्रयत्न होता है कि उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि बस जो लोग ऐसे रोड पर निराधार हालत में रहते हैं, कोई ना कोई कारण होता है उनके लाइफ के अंदर, तो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो इंसान है तो इंसान की मदद करे, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारा मानव धर्म यही है कि हम ऐसे निराधार लोगों को छोटी सी हेल्प करें, और छोटी सी हेल्प करने से उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो बस आपके साथ सपोर्ट से और पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ सपोर्ट से, और यह हमारा सेंटर होम चल रहा है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था द्वारा। तो बस आप भी सपोर्ट देते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल है सर्वसम्मत फाउंडेशन, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।